साहब ने कहा कि ये आखिरी प्रस्तुति थी, हमारी ये खुश नसीबी है कि जलीस साहब की सरपरस्ती में हम लोग यहाँ सब पढ़ते हैं, जिनको देश विदेश में बहुत ही सम्मान और इज्जत के साथ सुना जाता है। न सुनाने का मौका छोड़ते हैं न सुनने का, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इस भवन में हो और उनको बगैर सुनाए। पढ़ने पढ़ाने का तो चक्कर नहीं, आजकल कुछ याद भी नहीं रहता है। और बच्चों वाला सुन लीजिए, उनको सुन लीजिए। पहले एक शेर सुन लीजिए, अकेला बेचारा पढ़ा हुआ है कई दिन से, उसका साथ नहीं मिला। शेर ये है कि जहाँ उम्मीद रोशन थी अंधेरा भी वही निकला। जहाँ उम्मीद रोशन थी अंधेरा भी वही निकला, कभी तो हम नहीं जागे कभी सूरज नहीं निकला। कभी तो हम नहीं जागे कभी सूरज नहीं निकला। शेर सुन लो अपना, कि शोहरत की भूख ऐसी, हम सब जो है यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सिर्फ शोहरत के लिए भाग के आए, अपने अपने मुल्क से अपनी अपनी जगह छोड़ कर 2,000 किलोमीटर से आगे यहाँ बैठे हैं ताकि शोहरत मिल जाए। दिन रात इसी तक दो में लगे रहते हैं कि किसी तरह शोहरत मिल जाए। मैंने कहा है कि शोहरत की भूख ऐसी थी घर से निकल गए, शोहरत की भूख ऐसी कि घर से निकल गए, शोहरत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। शोहरत की भूख ऐसी कि घर से निकल गए, शोहरत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए, और बच्चों के साथ रहने की फुर्सत नहीं मिली। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत नहीं मिली, फुर्सत हुई तो छोड़ के बच्चे निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत नहीं मिली, फुर्सत हुई तो छोड़ के बच्चे निकल गए। बस बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके पापा से सुना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कहने का। इस बार नहीं पढ़ पाया, मैं उनसे माफी चाहता हूँ, अगले बार वो अपना नाम जल्दी लिखा दें ताकि उन्हें पढ़ने का मौका मिल जाए। अच्छा नहीं लगता है लेकिन 2 घंटे में 40 लोग नहीं पढ़ सकते, ये बात कहते हैं 2 घंटे का समय होता है हमारे पास और इतने सारे पढ़ने के लिए आ जाते हैं लोग। ये तो शौक की बात है, मुझे इस बात से खुशी होती है कि इतने लोग पढ़ना चाहते हैं, इतने लोग अपना कलाम सुनाना चाहते हैं, काफी पाठ करना चाहते हैं। ये बहुत उम्मीद अफजा बातें हैं, बड़ी आशावादी बातें हैं। ये मुझे तो फ्यूचर बहुत ब्राइट नजर आता है इन लोगों का जो यहाँ पे अपना समय देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।